हेलो दोस्तों, आपका स्वतंत्रता चैनल में आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा मूंगफली चिक्की की रेसिपी। आप इसे मूंगफली गजक भी बोल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चिक्की को बनाएंगे तो आपकी यह चिक्की बहुत ही सॉफ्ट और दांत में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट जैसा चिक्की हम कैसे बनाते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने भुने हुए मूंगफली के दाने ले लिए हैं 1.5 कप। मूंगफली को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया। फिर मूंगफली को ठंडा करके मूंगफली के सारे छिलके हमने हाथ से मसल कर निकाल लिए हैं और साथ में हमने खलबट्टे में 1/2 कप के लगभग मूंगफली के दाने डालकर मूंगफली को हमने दरदरा क्रश कर लिया है। पाउडर नहीं बनाना, बस मूंगफली को आप दरदरा क्रश कर लीजिए। क्रश की हुई मूंगफली को हमने प्लेट में डाल दिया है और साथ में हमने बाउल में 1.5 कप गुड़ ले लिया है। तो गुड़ को हमने एकदम बारीक कद्दूकस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं गुड़ को हमने कद्दूकस किया है। तो 1.5 कप मूंगफली है और 1.5 कप हमने गुड़ लिया है। दोनों की मात्रा हमने बराबर रखी है। टिफिन या टिफिन का तरह हमने फॉइल पेपर को बिछा दिया है। फिर फॉइल पेपर को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। तो घी को हमने मेल्ट कर लिया जिससे घी लगाने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपको टिफिन को ग्रीस करके तैयार कर लेना है। चाशनी चेक करने के लिए हमने बाउल में 1 कप पानी ले लिया है। जब भी आप चाशनी बनाएं तो साथ में पानी जरूर रखिए चाशनी चेक करने के लिए। गैस चला के हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में कद्दूकस किए हुए गुड़ को हम डाल देंगे। अब 1 चम्मच हमें देसी घी डाल देना है। देसी घी डालेंगे तो आप चिक्की को व्रत में भी खा सकते हैं। अब पानी आपको नहीं डालना है। आप देखेंगे जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी गुड़ जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। गैस को आपको तेज़ नहीं रखनी है, स्लो और मीडियम के बीच में ही रखिएगा गैस को। अगर आपने गैस को तेज़ कर दिया तो चाशनी जल जाएगी या गुड़ का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चाशनी को आपको 2 से 3 बार पानी में डालकर चेक कर लेना है। जब चाशनी कड़क होकर टूटने लगे तो समझ जाइए चाशनी आपकी बन चुकी है। तो आप अपने बाउल में चाशनी की कुछ बूंदें डाल दिए हैं। तो इसे चेक कर ले तो आप देख सकते हैं चाशनी की यहाँ गोली बन रही है, यानी अभी हमारी चाशनी नहीं पकी है। तो गैस को हमने स्लो ही रखा है। स्लो फ्लेम पे चाशनी को हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। फिर यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप और डाल दिए हैं चाशनी के पानी में और फिर दोबारा चेक कर लेंगे। तो आपको भी इस तरीके से चाशनी को 2 से 3 बार चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जब हमने पहली बार चाशनी को पानी में डाला था तो उसकी गोली बन रही थी। अब यहाँ पर जो चाशनी है रबड़ की तरह खींच रही है, यानी अभी चाशनी को 1 मिनट लगभग स्लो फ्लेम पे और पकाना है। फिर यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप डाल दिए हैं। ड्रॉप डाल कर फिर चेक कर लेते हैं। अगर चाशनी जो ड्रॉप है टूटने लगे तो समझ जाइए आपकी चाशनी है बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं जब इसे हम हाथ से तोड़ रहे हैं तो टूट रही है। तो इससे ज़्यादा हम चाशनी को नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि कढ़ाई गर्म है, चाशनी जल सकती थी। फिर गैस को हमने ऑन कर दिया। ऊपर से हमने 2 चुटकी खाने वाला सोडा डाल दिया है। सोडा डालकर आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस सोडा डालकर चाशनी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। सोडा डालने से चाशनी का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लाइट कलर आता है। सोडा डालने के बाद हमने मूँगफली को डाल दिए हैं और बहुत इस प्रोसेस को आपको थोड़ा जल्दी करना है। मूँगफली डालकर अच्छे तरीके से गुड़ के साथ मिक्स करने के बाद इसे हमने फॉइल पेपर में फैला दिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा देरी करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होने लगती है, तो इस प्रोसेस को आपको थोड़ा जल्दी करना है। कढ़ाई मिक्स करने के बाद इसे हमने फॉइल पेपर बिछा दिया। फिर फॉइल पेपर को हमने टिफिन से निकाल लिया। अब ऊपर से हम बेलन चला देंगे कि चिक्की हमारी ऊपर से भी चिकनी हो जाए, एक बराबर सी दिखे। तो चाकू की सहायता से हम इसे कट कर लेंगे। जब आप चाकू से कट करिए तो चिक्की आपकी हल्की गर्म रहनी चाहिए जिससे आसानी से कट हो जाए। तो जो चिक्की हमारी सेट हो रही है तो यहाँ पर हम कढ़ाई को साफ कर लेते हैं। तो गैस चला के हमने कढ़ाई को रख दिया। कढ़ाई में हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है। जैसे जैसे पानी गर्म होगी आप देखेंगे जो गुड़ है वो आसानी से पानी मिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कढ़ाई को आसानी से साफ कर सकते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। तो पानी गर्म हो गया तो गैस को हमने बंद कर दिया। फिर कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। तो यहाँ हमारी चिक्की सेट हो गई। चिक्की को सेट होने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अलग हो जा रही है।
जब चिक्की आपकी हल्की गर्म रहे तभी आप इसे चाकू से कट कर लीजिएगा, इससे चिक्की आसानी से आपकी अलग हो जाएगी। तो हम आपको इसे तोड़ के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो चिक्की है एकदम सॉफ्ट बनी है और दांत में बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आप इस तरीके से एकदम मार्केट जैसा बहुत ही आसानी से चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बनाने का तरीका आपको पसंद आया है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।